जो मधुसर और अलग जगह जगह जो पशुपालक फंसे हैं और ट्रक चालक फंसे हैं, तो उसमें क्या वार्ता रही, आगे क्या होगा इसमें? देखिए, जिस दिन मुझे पता लगा मैं तुरंत जिला कलेक्टर और जो ACS होम है उनसे मैंने बात भी करी थी और आज इन सबको लेकर मैं जिला कलेक्टर में आया हूँ। सारी बात हमने के लिए तीन से बात हो गई। मध्य प्रदेश के दो मंत्रियों से भी मेरी बात हुई, वहाँ के सांसद से भी बात हुई। इनका कोई दोष नहीं है, सिर्फ हैरेसमेंट इनका करना, तंग करना। और अगर इस तरह सरकारें करेंगी तो ये मेले खत्म हो जाएंगे। हमारी नागौरी नस्ल का जो बैल और बच्चा वर्ल्ड फेम है और प्रयास करेंगे आजकल के अंदर इनको ट्रांसपोर्टर जितने भी ट्रकों के मालिक हैं और व्यापारी हैं इनको जो FIR दर्ज की वो भी खत्म हो। भीलवाड़ा शाहपुरा के अंदर भी कुछ जगह रोका हुआ है, शाहपुरा जिले के अंदर वहाँ भी छुड़वा रहे हैं। प्रयास करेंगे एक दो दिन के अंदर सारा इनके ट्रक भी वापिस छूटे, जो पशु खरीद के रहे हैं पशु उन व्यापारियों को वापस करें जो यहाँ पैसा देकर लेते हैं। लीगल प्रोसीजर का जानबूझ BJP की सरकारें जान भी है तो इस तरह की बात करके कि किसान विरोधी है, ये लोग इस बात को नहीं समझते। ये एक ही चीज़ समझते हैं कि वोट कैसे मिले, वोट के लिए ये हड़दम करते हैं। कई तरह की घटनाएं भी आए दिन होती है जिसमें व्यापारी परेशान हो रहे हैं, किसान परेशान हो रहे हैं और ये हालात रहे तो मेलों के अंदर संख्या है 3,000-4,000 पे ताजी कहाँ तो लाखों मेल पशु आते थे। ऊँट चला गया, घोड़ों का मेला आप देखिए, कुछ कर बीमारी का बहाना बना के अब आपको बैलों के, तो मुझे नहीं लगता कि आने वाला समय ठीक है। हम प्रयास करेंगे किसान के खेती के अलावा पशुधन सेकंड चारा आर्थिक चीज करने का और इसे हम बर्दाश्त भी करेंगे। मैं आप थोड़ी हाथ लगा काम कर रहा हूँ, राज्य स्तर पर जो केंद्र में बात करेंगे और इनकी समस्या का समाधान कराएंगे, दोबारा से ऐसी घटना नहीं हो इसका विचार करेंगे।